वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ केरेंडिया के बारे में, जिसको फिनरेनोन भी बोलते हैं। ये दवाई डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए अप्रूव हुई है। मतलब अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से आपको किडनी डिजीज हुई है, तो ये दवाई आपके लिए सूटेबल हो सकती है। मैंने अभी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है और मैं अभी उधर ही हूँ। तो अगर वीडियो और ऑडियो क्वालिटी इज नॉट द सेम एज बिफोर, इट्स बिकॉज आई एम नॉट इन माई स्टूडियो। नेक्स्ट वीक आई विल गिव यू एन अपडेट अबाउट द लेटेस्ट फ्रॉम द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, कि क्या नई मेडिसिन के बारे में बात हुई है, कौन सी नई मशीन आई हैं और क्या नई नई रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छी टॉक थी अबाउट स्टेम सेल थेरेपी इन किडनी डिजीज, तो इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो अगर आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। केरेंडिया या फिनरेनोन कैसे काम करती है, ये दवाई क्या आपके लिए है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो फिनरेनोन एक नॉन स्टेरॉयडल मिनरोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एक बहुत बड़ी ट्रायल हुई थी जिसमें इस दवाई का यूज देखा गया था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों ट्रायल्स के लिंक्स डालूंगा ताकि आप इसके बारे में पढ़ सकें। बेसिकली अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 या 4 है और आपका EGFR 25 से ज़्यादा है, साथ में आपको प्रोटीन लॉस भी हो रहा है, तो ये दवाई आपके लिए सूटेबल हो सकती है। ये दवाई को खाने के लिए पहले आपको मैक्सिमम डोज ऑफ ACE इनहिबिटर और SGLT2 इनहिबिटर पे होना चाहिए। ये दवाई कैसे काम करती है, ये रिसर्च ने दिखाया है कि ये प्रोटीन लॉस कम करती है किडनी से अगर आपको डायबिटीज़ हो। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है और हमें पता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये उसको भी कम करती है। ट्रायल ने दिखाया था कि ये आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट, मतलब रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक, उसको भी कम करती है और आपका EGFR भी स्टेबल रख सकती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में भी इसके बारे में बात हुई है और जो ड्रग कंपनी है उनका भी एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था इस दवाई के बारे में। तो अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से और आपका EGFR 25 से ऊपर है और आप मैक्सिमम डोज ACE इनहिबिटर पे हो, मतलब कि मैक्सिमम डोज इनालेप्रिल, रामिप्रिल, टेलमिसार्टिन और SGLT2 इनहिबिटर्स पे भी हो, जो आपका डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन हो गया, फिर भी अगर आपकी किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है, तो ये दवाई आपके लिए सूटेबल हो सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से जाके बात करें, इस दवाई के बारे में पूछें कि ये आप ले सकते हैं या नहीं, और अगर आप सूटेबल हैं तो ये दवाई उनके सुपरविजन में लीजिए, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया है कि इससे आपका प्रोटीन लीक भी कम होता है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी कम होता है। इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, मेन साइड इफेक्ट देखा गया था कि पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, इसलिए जब ये दवाई शुरू की जाती है रेगुलर ब्लड टेस्ट और फॉलोअप कराना ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स में हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर कम होना भी दिखा गया था। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस फील हो रही है, तो हो सकता है कि ये दवाई की साइड इफेक्ट हो, ये भी अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ स्मॉल वीडियो टू अपडेट यू अबाउट दिस मेडिसिन बिकॉज इट वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड। आई हैव मैंशनड अबाउट दिस मेडिसिन अ फ्यू टाइम्स इन दी अदर वीडियोज, but I wanted to give you some more detailed information about it. I will see you again next week where I will give you the latest updates about new medicines in chronic kidney disease, IgA nephropathy, also about the new dialysis machines, home dialysis machines, jo maine is conference pe dekhi. So make sure you hit the subscribe button and see you next time.